तो हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा गुड न्यूज़ है फॉर जो बच्चों के लिए। आज गुड न्यूज़ है फ्रेंड, जो आपका फेवरेट शो हुआ करता था जंगल बुक, वो फिर से दूरदर्शन पर लॉकडाउन में आ रहा है फ्रेंड। डीडी फ्रीडिश पर फिर से लॉकडाउन में आ रहा है फ्रेंड। फिर से आपकी टीवी पर जो डीडी फ्रीडिश है उस पर जंगल बुक फिर से आ रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तो और आपको पूरी जानकारी देते हैं जंगल बुक से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वन टेक मीडिया कंपनी के संस्थापक और सीईओ अनिल खेरा ने कहा, हम इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं और ऐसे नाजुक समय में राष्ट्रीय मनोरंजन पुस्तकालय में अपना योगदान दे रहे हैं। और मोगली और जंगल बुक हमेशा से दर्शकों के बीच पसंदीदा रहे हैं। हमें यकीन है कि यह पुराने दर्शकों को उदासीन बना देगा और साथ ही उन युवा दर्शकों के साथ जुड़ जाएगा जो मोगली की मासूमियत का पता लगाएंगे। हम मौजूदा समय में लोकप्रिय सामग्री की पुनर्जीवित करने में MEB और दूरदर्शन के दूरदर्शी निर्णय का समर्थन करते हैं। तो केवल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम के अनुसार दिखाने का निर्देश दिया है। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने कहा, हम अपने प्रतिष्ठित टीवी श्रृंखला के साथ एक और लोकप्रिय श्रृंखला को वापस लाने के लिए खुश हैं। हमें खुशी है कि वन टेक मीडिया ने लॉकडाउन के दौरान अपने परिवारों के साथ घर पर बच्चों को सुरक्षित रखने के राष्ट्रीय स्तर पर हमसे जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो 13 मार्च को समाप्त सप्ताह के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BRC के डेटा से पता चलता है कि टेलीविजन सामग्री की खपत 40 मिलियन मिनट के सप्ताह दर सप्ताह बढ़ी, आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। जैसे जैसे लोग घर पर रहते हैं और टेलीविजन प्रसारणकर्ता ताजी सामग्री से बाहर निकलते हैं, तो क्लासिक शो को पुनर्जीवित करना एक आम कहानी लगती है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद फ्रेंड।